hello friends today we will start exercise 7.1 of permutation and combination of class 11 from ncrt book So question number first is how many three digit numbers can be formed from the digit 1 2 3 4 and 5 assuming that repetition of the digit is allowed and in second part repetition of the digit is not allowed you have to form three digit number from 1 two, three, four, five. So in first part, repetition of the digit is allowed. Repetition of the digit is allowed means अगर आपका first place पे one आ जाता है तो second place पे भी one आ सकता है और third पे भी means one digit कितने भी times आ सकती है So when repetition is allowed so number of ways ऑफ चूजिंग फर्स्ट डिजिट तो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके फर्स्ट डिजिट को चूज करने के लिए दैट इज फाइव कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके फाइव एंड नंबर ऑफ वेज चूजिंग सेकेंड डिजिट इज आपके फाइव एंड नंबर ऑफ वेज चूजिंग थर्ड डिजिट इज ऑल्सो फाइव बिकॉज रिपीटेशन अलाउ है तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके पॉसिबल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव दिस वन इज इक्वल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी इज योर आंसर इट मींस थ्री डिजिट नंबर को फॉर्मड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज आपके पास वन ट्वेंटी फाइव है अगर रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इफ़ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है इट मीन्स अगर अगर वन आपका फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है तो सेकेंड प्लेस पे वन नहीं आएगा ना ही थर्ड प्लेस पे वन डिजिट वन टाइम ही एग्जिस्ट कर सकती है तो उसके लिए क्या होगा आपका नंबर ऑफ वन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड नंबर ऑफ वेज चूजिंग फर्स्ट डिजिट इज फाइव फर्स्ट डिजिट चूज करने के तो नंबर ऑफ वेज आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव ही रहेंगे बट इफ एट करा हमने की वन हमने फर्स्ट डिजिट को चूज कर लिया है तो आपके पास नंबर ऑफ वेज फॉर चूजिंग सेकेंड डिजिट कितने हो जाएंगे वन तो कैंसिल हो गया हमारा टोटल तो तो कितने नंबर हमारे पास बचे हैं वन टू थ्री फोर सो चूजिंग सेकेंड डिजिट इज फोर एंड नंबर ऑफ वेज चूजिंग थर्ड डिजिट इज अब लेट किया हमने कि टू हमारा सेकेंड डिजिट है तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने लेफ्ट है वन टू थ्री तो थर्ड डिजिट को चूज करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने लेफ्ट हैं थ्री सो so, टोटल पॉसिबल नंबर Is equal to 5 multiply 4 multiply 3 and this one is equal to 60. It means when repetition of the digit is not allowed, there are total 60 ways to form 3 digit number from the 1, 2, 3, 4 and 5. Now see question number 2 How many 3 digit even numbers can be formed from the digit 1, 2, 3, 4, 5, 6? डिजिट कैन बी रिपीटेड आपको बताना है कितने थ्री डिजिट के इवन नंबर फॉर्मड हो सकते हैं फ्रॉम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इफ रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड तो फर्स्टली आप चेक कीजिए इवन नंबर कितने हैं इसमें फर्स्ट फोर इवन नंबर्स टू फोर सिक्स कैन बी प्लेस्ड एट यूनिट प्लेस अगर आपका यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होगा तभी तो आपका जो टोटल थ्री डिजिट नंबर है वो कैसा होगा आपका इवन होगा या तो आपका टू आ सकता है फोर और सिक्स ये थ्री ही ऐसे इवन नंबर हैं जो वन टू सिक्स के मिड में लाई करते हैं सो नंबर ऑफ वेज ऑफ फीलिंग यूनिट प्लेस यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके वन टू थ्री बिकॉज थ्री ही इवन नंबर है वन टू सिक्स के बीट में एंड नंबर ऑफ वेज ओ फिलिंग टेंस प्लेस टेंस प्लेस को फिल करने के लिए कितने नंबर ऑफ वेज है आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बिकॉज टेंस प्लेस में तो आपका इवन नंबर आए या और नंबर आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा So, इसके लिए कितने हो गए आपके पास सिक्स नंबर ऑफ वेज हंड्रेड प्लेस को फिल करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए आपके पास हंड्रेड प्लेस पे भी इवन नंबर आए या ओड नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसके लिए भी आपके पास हो गए सिक्स देयर फोर टोटल इवन नंबर्स तो टोटल कितने इवन नंबर्स हो गए आपके पास थ्री मल्टीप्लाय सिक्स सिक्स दिस वन इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट इट मीन्स आपके पास टोटल वन हंड्रेड एट इवन नंबर्स हो गए जो वन टू सिक्स के मिड से फॉर्म किए जा सकते हैं और रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ मैनी फोर लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट टैन लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इफ़ नो लेटर कैन बी रिपीट तो आपका लेटर कोई रिपीट नहीं होना चाहिए और आपको फोर लेटर का वर्ल्ड क्या करना है करना है तो उसके लिए आपके नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे यूनिट डिजिट दिस वन इज इक्वल टू टेन बिकॉज टोटल नंबर तो आपके पास टेन ही है एंड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग सेकेंड लेटर सेकेंड लेटर को चूज करने के कितने वेज हो जाएंगे अब आपके पास टेन तो थे फर्स्ट लेटर को चूज़ करने के लिए अब आपने फर्स्ट प्लेस पे अगर कोई लेटर चूज़ कर लिया है तो टेन में से वन लेटर तो यहाँ पे फिक्स हो गया अब वो तो रिपीट नहीं हो सकता बिकॉज नो रिपीटेशन इज़ अलाउड सो नंबर ऑफ़ वेज चूजिंग सेकेंड लेटर इज नाइन एंड नंबर ऑफ वेज चूजिंग थर्ड लेटर अब थर्ड लेटर को चूज करने के लिए कितने वेज हो जाएंगे बिकॉज फर्स्ट प्लेस पे भी आपका फिक्स हो गया और सेकेंड प्लेस पे भी फिक्स हो गया तो टेन में से टू माइनस करेंगे कितने आएंगे आपके पास एट एंड नंबर ऑफ वेज चूजिंग फोर लेटर फोर लेटर को चूज करने के नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके पास सेवन सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स तो टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कोड वर्ड्स कितने हो जाएंगे आपके पास दिस वन इज इक्वल टू टेन मल्टीप्लाई नाइन मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई सेवन एंड इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड फोर्टी इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर फोर इज हाउ मैनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग द डिजिट जीरो टू नाइन इफ ईच नंबर स्टार्टड विवन एंड नो डिजिट अपियर मोर देन वंस नो डिजिट अपियर मोर देन वंस मीन्स एक डिजिट एक से ज़्यादा टाइम्स नहीं आ सकती कितने डिजिट का नंबर फोम करना है आपको फाइव डिजिट वन टू थ्री फोर फाइव और एवरी नंबर स्टार्टेड विथ सिक्सटी सेवन इट मींस फर्स्ट प्लेस एंड सेकेंड प्लेस तो आपका क्या हो गया फिक्स हो गया अब आपको जो चूज करना है इन थ्री प्लेस में से करना है वन टू थ्री अब आपको इन थ्री प्लेस के लिए टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर फाइंड आउट करने हैं सो नंबर ऑफ वेज फीलिंग फर्स्ट डिजिट आफ्टर सिक्सटी सेवन बिकॉज सिक्सटी सेवन के बाद के ही तो अब आपको फाइंड आउट करना है अब जीरो से नाइन के मिड में सिक्स और सेवन तो आपका कट हो गया है तो टोटल कितने बचे अब आपके पास एट सो नंबर ऑफ वेज फीलिंग फर्स्ट डिजिट इज एट एंड नंबर ऑफ वेज फीलिंग सेकेंड डिजिट आफ्टर सिक्सटी सेवन इज अब आपका यहाँ पे लेट कर लिया हमने फाइव आ गया तो थ्री तो आपके कट हो गए ना अब टेन में से थ्री गए आपके कितने लाइफ बचे हैं आपके पास सेवन सो नंबर ऑफ वेज फीलिंग सेकेंड डिजिट आफ्टर सिक्सटी सेवन इज सेवन एंड नंबर ऑफ वेज फीलिंग थर्ड डिजिट आफ्टर सिक्सटी सेवन इज सिक्स और आपको थ्री प्लेस के लिए ही फाइंड आउट करना था सो टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कितने हो गए आपके एट मल्टीप्लाई सेवन मल्टीप्लाई सिक्स एंड दिस वन इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड थर्टी सिक्स इज योर आंसर सी क्वेश्चन नंबर फाइव अ कॉइन इज टॉस्ड थ्री टाइम एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर एक कॉइन को टॉस किया गया है थ्री टाइम्स अब उसके आउटकम्स क्या करे गए हैं रिकॉर्ड अब आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बताने हैं देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स होते हैं कॉइन के हेड और टेल दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उससे ज्यादा तो कोई आउटकम नहीं होता है कॉइन का नंबर ऑफ पॉसिबल थ्री टाइम टॉस किया गया है ना आपका तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए फर्स्ट थ्रो में अब टोटल जब टू ही आउटकम्स होते हैं तो फर्स्ट थ्रो में भी आपके पास टू ही होंगे तो फर्स्ट थ्रो में आउटकम्स कितने हो गए टू एंड सेकेंड थ्रो में भी टू हेड और टेल या तो हैड आएगा या टेल आएगा उससे अलावा तो कुछ नहीं आ सकता एंड थर्ड थ्रो भी कितने हो गए आपके पास टू देर फोर टोटल आउटकम्स टोटल आउटकम्स कितने हो गए टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू दिस वन इज इक्वल टू एट इज योर आंसर नाउ सी क्वेश्चन नंबर गिवन फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर आपको गिवन है फाइव फ्लैग्स अलग अलग कलर के हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर एक दूसरे के बिलो हैं और आपको बताना है कितने फ्लैग्स जनरेट कर सकते हैं अलग अलग सिग्नल के सिग्नल रिक्वायर क्या करता है टू फ्लैग का यूज सो टोटल पॉसिबल रिजल्ट फॉर फर्स्ट फ्लैग फर्स्ट फ्लैग के लिए कितने टोटल पॉसिबल रिजल्ट होंगे अब टोटल फाइव फ्लैग है तो फर्स्ट फ्लैग के लिए तो फाइव ही होगा टोटल पॉसिबल रिजल्ट फॉर सेकेंड फ्लैग अब सेकेंड फ्लैग के लिए कितने हो जाएंगे एक दूसरे से बिलो होना चाहिए और रिपीटेशन नहीं है सो वन प्लेस पे अगर आपके फाइव फ्लैग्स पॉसिबल है तो सेकंड पे कितने होंगे फोर एंड देर फोर टोटल पॉसिबल सिग्नल्स कितने हो जाएंगे आपके पास टू फाइव मल्टीप्लाई फोर एंड इक्वल टू ट्वेंटी सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज सेवन पॉइंट वन ऑफ क्लास इलेवेंथ So thank you for watching my video. Please like and subscribe my channel.